दशहरे में बुराई पर अच्छाई की विजय स्वरूप रामलीला देश भर में जगह जगह हो रही है। ऐसी ही एक रामलीला अयोध्या नगरी का जुड़वा शहर फैजाबाद में हो रही है, जहां पर न जाति है और न ही धर्म का कोई बंधन है। अगर यहां कुछ है तो सिर्फ सौहार्द और आदर्श समाज की मिसाल, जो उन लोगों को आईना दिखाती है जो अपने फायदे के लिए धर्मों के आधार पर लोगों को बांटते हैं। फैजाबाद के मुमताज नगर की 51 सालों से हो रही रामलीला देश में सौहार्द की एक अलग मिसाल को कायम करती है, जहां हिंदू मुस्लिम दोनों समाज के लोग रामलीला में अभिनय करते हैं। और खास बात यह है कि श्री रामलीला रामायण समिति के अध्यक्ष एक मुस्लिम हैं। शारदीय नवरात्र में जहां एक तरफ मां आदिशक्ति की आराधना होती है, वहीं मंच और मैदान में श्री राम के आदर्श का मंचन भी होता है। खास बात यह है कि इस रामलीला में राम और रावण दोनों पक्ष की सेना से लेकर अन्य किरदार में मुस्लिम और हिंदू समाज के लोग अभिनय करते हैं। रामलीला में तरीके से निभाते हैं, रावण सेना में भी काम किए हैं, अशोक वाटिका का काम कर रहे हैं, जैसे रखाने का काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है हमको। रामलीला 51 साल पुरानी हो चुकी है और रोल का जहां तक सवाल है, जो मुख्य किरदार में राम लक्ष्मण सीता भरत शत्रुघ्न हनुमान जी का रोल होता है, जिनकी डेली आरती होती है, ये हिंदू लड़के अच्छे लड़के लाए जाते हैं इसमें। और बाकी अदर सोर्स में करीब हमें 200 कलाकार की पर डे जरूरत पड़ती है, उसमें सब हिंदू मुस्लिम बच्चे सब मिलके अच्छा से अच्छा छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा रोल सब मिलके करते हैं।